गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th बायो के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके लिए है? 11th बायो के लिए। 11th बायो के लिए तो हम पढ़ रहे थे लिपिड की अपने बात करी थी, तीन प्रकार की थी। नंबर एक थी अपनी सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। सेकंड है कॉम्प्लेक्स लिपिड। थर्ड है डेरिवेटिव लिपिड। सिंपल को क्या होती है? सरल लिपिड बोला था। और इसको क्या होती है? जटिल लिपिड। और ये क्या होती है? व्युत्पन्न लिपिड। अब देखिए, लिपिड की हमने पिछली क्लास में तीन प्रकार की होती है बात की थी। पिछली क्लास में हमने सिंपल लिपिड के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होती है? वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ लिपिड रहित अणु भी क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो ध्यान में रखना, कॉम्प्लेक्स लिपिड कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स लिपिड कौन सी होती है? वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ लिपिड रहित अणु भी जुड़े रहते हैं। वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ लिपिड रहित अणु भी जुड़े रहते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक है फॉस्फोलिपिड। सेकंड है ग्लाइकोलिपिड। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड है वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड, सेकंड कौन सी? अपनी ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कौन सी होगी? वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ फॉस्फोरिक ग्रुप युक्त अणु भी जुड़े रहते हैं। क्या कहलाती है? फॉस्फोलिपिड कहलाती है। तो फॉस्फोलिपिड कौन सी होगी? वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ लिपिड अणुओं के साथ फॉस्फोरिक समूह युक्त अणु भी जुड़े रहते हैं। फॉस्फोलिपिड
कहलाती है। तो ध्यान में रखना, कॉम्प्लेक्स लिपिड दो प्रकार के हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कौन सी होती है? वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ फॉस्फोरिक समूह है युक्त अणु भी जुड़े रहते हैं, क्या कहलाती है? फॉस्फोलिपिड कहलाती है। अब फॉस्फोलिपिड भी निम्न प्रकार की होती है। फॉस्फोलिपिड भी आगे निम्न प्रकार की होती है। अब देखिए, अपन ने बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स लिपिड थी वो दो प्रकार की थी, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड भी कई प्रकार की होती है। फॉस्फोलिपिड कई प्रकार की होती है। तो देखिए फॉस्फोलिपिड के प्रकार, फॉस्फोलिपिड कई प्रकार की होती है। पहला टाइप है फॉस्फो टाइडल कोलिपिड, सेकंड है फॉस्फोटाइडल सेरिन, अगला है फॉस्फोटाइडल इथेनोलेवाइन, इथेनो फॉस्फोटाइडल इथेनो लेमाइन, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड होती है वो कई प्रकार की होती है। सबसे पहला टाइप है फॉस्फोटाइडल कोलिन। तो फॉस्फोटाइडल कोलिन क्या होता है? इसमें फॉस्फोटाइडल कोलिन फॉस्फोलिपिड के निर्माण के दौरान क्या होता है? कोलिन ग्रुप और फॉस्फोरिक ग्रुप वर्षीय अमल के साथ जुड़कर के, ध्यान रखना ये इतना क्या है कोलिन ग्रुप, कोई इधर वाला ये क्या है फॉस्फोरिक ग्रुप, इधर वाला क्या है फैटी एसिड, यानी कोलिन समूह है और फॉस्फोरिक समूह है। बस ये अमल के साथ जुड़कर के क्या बनाते हैं? फॉस्फोटाइडल कोलिन का निर्माण करते हैं। कोलिन ग्रुप और फॉस्फोरिक ग्रुप बस ये अमल के साथ जुड़कर फॉस्फोटाइडल कोलिन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसको हिंदी में यही बोलते हैं फॉस्फो टाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल कोलिन। अब सेकंड कौन सा है? फॉस्फोटाइडल सेरिन। फॉस्फोटाइडल सेरिन क्या होता है? इसमें बचना हो जाएगा कोलिन ग्रुप के स्थान पे क्या आ जाएगा? अब सेरिन ग्रुप, यानी सेरिन ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा? ये इतना क्या है इसमें फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फोरिक ग्रुप। तो सेरिन ग्रुप यानी सेरिन समूह है, फॉस्फोरिक समूह है, बस ये अमल के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं? फॉस्फोटाइडल सेरिन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फॉस्फोटाइडल सेरिन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फॉस्फोटाइडल सेरिन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगला है अपना नेक्स्ट पॉइंट फॉस्फोटाइडल इथेनोलेमाइन। तो फॉस्फोटाइडल इथेनोलेमाइन का निर्माण किस प्रकार से होगा वो हम पढ़ेंगे। अब थर्ड पार्ट है अपना कौन सा? फॉस्फोटाइडल इथेनोलेमाइन कौन सा है? फॉस्फोटाइडल इथेनोलेमाइन। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? फैटी एसिड, फॉस्फोरिक ग्रुप और इसमें क्या पाया जाता है? इथेनोलेमाइन ग्रुप पाया जाता है।
पोस्टफोरिक समूह है और बस ये अमल आपस में जुड़कर के क्या बनाते हैं, फॉस्फोडाइबर इथेनोलेमाइन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आगे देखिए फॉस्फोलिपिड अपनी कंप्लीट हो गई थी, कॉम्प्लेक्स लिपिड का सेकंड पार्ट था अपने पास, ये फर्स्ट था फॉस्फोलिपिड, सेकंड पार्ट था ग्लाइकोलिपिड। ये कौन सा था सेकंड पार्ट, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड के दो पार्ट थे फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड भी आगे कई प्रकार की थी, जैसे फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल सेरिन, फॉस्फोटाइडल इथेनोलेमाइन। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड का ग्लाइकोलिपिड। वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ कार्बोहाइड्रेट और शर्करा के अणु क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और शर्करा के अणु क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिपिड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोस्टिमोलिपिड। अब डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे इसकी, इसकी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड कॉम्प्लेक्स लिपिड का अपना सेकंड पार्ट है, यानी जटिल लिपिड का सेकंड पार्ट है। वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ कार्बोहाइड्रेट तथा शर्करा के अणु जुड़े हुए रहते हैं, शर्करा के अणु जुड़े हुए रहते हैं, शर्करा के अणु जुड़े हुए रहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहलाती है, ग्लाइकोलिपिड कहलाती है। तो देखिए ग्लाइकोलिपिड क्या होगी, वे लिपिड जिसमें लिपिड अणुओं के साथ कार्बोहाइड्रेट या सॉरी तथा शर्करा के अणु जुड़े रहते हैं, क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिपिड कहलाती है। एग्जाम्पल ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। तो इसी प्रकार की सिंपल और कॉम्प्लेक्स यानी सरल और जटिल दोनों लिपिड कंप्लीट हो चुकी है। लिपिड का थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड यानी व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड तीन प्रकार की थी, सरल जटिल और व्युत्पन्न। तो सरल और जटिल लिपिड हमने पढ़ लिए हैं, थर्ड है अपनी डेरिवेटिव लिपिड यानी व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड कौन सी होगी, वे लिपिड जो सरल और जटिल लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न लिपिड कहलाती है। एग्जाम्पल स्टीरॉइड हॉर्मोन किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं। जो व्युत्पन्न लिपिड होती है वो लिपिड अणुओं के समान अघुलनशील अल्कोहल होते हैं, इसलिए इन्हें स्टीरॉइड भी कहा जाता है। आप इनकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखोगे, वे लिपिड जो कि सरल और जटिल लिपिड के जल अपघटन से
अपघटन से प्राप्त होती है या वे लिपिड जिसका निर्माण सरल और जटिल लिपिड के जल अपघटन से होता है व्युत्पन्न लिपिड कहलाती है व्युत्पन्न लिपिड कहलाती है। अब देखिए व्युत्पन्न जो लिपिड होती है वो लिपिड अणु सॉरी लिपिड के समान अघुलनशील एल्कोहल होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं स्टीरॉइड कहा जाता है। तो ध्यान में रखना व्युत्पन्न लिपिड लिपिड के समान अघुलनशील एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल होते हैं, अतः इन्हें स्टीरॉइड भी कहा जाता है, अतः इन्हें स्टीरॉइड भी कहा जाता है। तो जो स्टीरॉइड हॉर्मोन होते हैं वो किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं। तो ध्यान में रखना डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न लिपिड क्या होगी, वे लिपिड जो कि सरल और जटिल लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न लिपिड कहलाती है। व्युत्पन्न लिपिड होती है वो लिपिड के समान अघुलनशील क्या होती है, एल्कोहल होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं सरल सॉरी स्टीरॉइड भी कहा जाता है। और जितने भी स्टीरॉइड हॉर्मोन होते हैं वो किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव लिपिड, तो हमने बोला था स्टीरॉइड जो हॉर्मोन होते हैं किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं। यहाँ पे जो संरचना दिखाई जा रही है आपको वो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन की है, इसकी टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन की है, किसकी है टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन की है। तो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन भी किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड, लिपिड के महत्व। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड के महत्व। लिपिड के महत्व की बात करें तो देखिए आप सभी जानते हो कि लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट के समान क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट के समान ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं का जो माइलिन शीथ है वो लिपिड युक्त प्रोटीन का बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का माइलिन सीथ यानी माइलिन आवरण वसा का बना होता है। अगला देखिए जलीय स्तनधारी
जलीय स्तनधारी। जो जलीय स्तनधारी होते हैं, जलीय स्तनधारी, जलीय स्तनधारी जैसे बहेल, बहेल मछली, जलीय स्तनधारी जैसे बहेल मछली की कवचा के, कवचा के नीचे, कवचा के नीचे वर्षा की पार्ट जमी हुई होती है, जमी हुई होती है जिसे प्लेवर कहा जाता है, प्लेवर कहा जाता है। यह ब्लेवर, यह ब्लेवर सर्दियों में इन्हें ठंड से, ठंड से बचाने का कार्य करती है, बचाने का कार्य करती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, यदि यदि वसा को चार के साथ, चार के साथ गरम किया जाए तो, गरम किया जाए तो साबुन बन जाती है, साबुन बन जाती है, साबुन बनने की क्रिया, साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, साबुन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। अगला देखिए कि जो प्राकृतिक वसाएं होती है उनसे वनस्पति घी बनाया जाता है, प्राकृतिक, प्राकृतिक वसाओं से घी बनाया जाता है, बनाया जाता है। इस प्रकार जो लिपिड है उसके क्या महत्व की अपन बात कर रहे हैं, तो लिपिड होती है वो कार्बोहाइड्रेट के समान क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। सेकंड क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो माइलिन सीथ है वो किसका बना होता है, वसा का बना होता है। जलीय स्तनधारी जैसे बहेल मछली की त्वचा के नीचे वसा की पट जमी हुई रहती है जिसको ब्लेवर कहा जाता है। यह जो ब्लेवर होती है वो सर्दियों में इन्हें ठंड से बचाने का कार्य करती है। यदि वसा को छाए के साथ गर्म किया जाए तो साबुन बन जाती है, साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है।